हेलो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एल्डोल कंडेंसेशन को अच्छे से समझ लिया था, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल। तो एक एक करके देखते हैं। एग्जांपल नंबर वन, इसको समझते हैं क्या होगा। इसकी रिएक्शन O3ZnH2O के साथ करवानी है और साथ में आपको यहाँ पर, ठीक है, इसकी रिएक्शन OH- के साथ डायल्यूट, और यहाँ पर आपने टेम्परेचर ले लिया है, टेम्परेचर सॉरी यहाँ पर, हाँ, टेम्परेचर यहाँ पर डेल्टा कर देता हूँ, ये फर्स्ट और सेकंड डेल्टा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एग्जांपल नंबर वन, ठीक है। आप इसको ध्यान से समझते हैं एग्जांपल नंबर वन को। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, सबसे पहले O3ZN का काम क्या है बच्चों, O3ZN का काम क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर O3ZN का काम क्या है, ये आपका इस तरीके से यहाँ पर टूटेगा, ये भी टूटेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, दो मोल, यहाँ पर आपका इस तरीके से बन जाएगा, या आपका इस तरीके से, या आपका बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आपका CH3। नाउ अब देखो, ये कीटोन वाला साइड है और ये एल्डिहाइड वाला साइड है, तो OH- अब कहाँ अटैक करेगा, OH- अब अटैक करेगा एल्डिहाइड वाले साइड पे, तो यहां से एल्डिहाइड वाले साइड पे अटैक करेगा, तो यहां से किसको लेके जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन को, तो एसिडिक हाइड्रोजन को लेके जाएगा। तो यहां से जब ये एसिडिक हाइड्रोजन को लेके जाएगा, तो काउंट करो बच्चों कि कितने कितने कार्बन की चेन बनेगी। यहां पर दो चॉइस है ना हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन के बच्चों, एक तो ये वाला चॉइस, एक ये वाला चॉइस, ये यहां पर भी एसिडिक हाइड्रोजन है, दो चॉइस है। अगर ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन को लेके जाएगा तो 1 2 3 4 5, और ये वाले को लेके जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 मेंबर की रिंग बनाने से अच्छा है हम किसको प्रेफरेंस देंगे बच्चों, 5 और 6 मेंबर को, मैंने आपको बताया था। तो ये वाले एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप ना करके, ये वाले एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप ना करके, तो ये कौन से वाले एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा बच्चों, ये वाले एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा। तो यहां पर क्या क्रिएट होगा, माइनस चार्ज, इनोलेट आयन, मैंने आपको बता रखा है। जैसे मैंने फिर ये वाला ये आपका यहाँ अटैक करेगा, तो कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बन गई। अब देखो काउंट करो, फर्स्ट पे आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट पे ये कंपाउंड आपका बाहर निकल जाएगा, ऐसे बन गया। और यहां पर आपका फिफ्थ पे ये 1 था और ये फिफ्थ होगा, फिफ्थ पे आपका O- आगे आपका यहां पर H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा बच्चों, ये आपका, जैसे कि हमने एल्डोल में अच्छे से पढ़ लिया था इसको, कि किस तरीके से हमको रिएक्शन को प्रोग्रेस करवाना है, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम एक और एग्जांपल को समझते हैं, एग्जांपल नंबर 2, देखते हैं कि बच्चों किस तरीके से, एग्जांपल नंबर 2 को देखते हैं बच्चों। ये मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है CHO, और ये मेरे पास दिया हुआ है बच्चों यहां पर, ठीक है, कीटोन, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पर OH- के साथ रिएक्शन कराना है और हीट कराना है। देखो अब फिर से आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, क्योंकि एल्डिहाइड है। अब देखो क्या होगा बच्चों, कि OH- क्या करेगा बच्चों, अब देखो 1 2 3 4, ठीक है, 5। अब देखो अगर मैंने ये वाले एसिडिक हाइड्रोजन को हटाया तो 5 मेंबर की रिंग बनेगी, ठीक है, और अगर मैंने ये वाले एसिडिक हाइड्रोजन को हटाया तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 7 मेंबर की रिंग बनेगी। देखो तो सबसे पहला काम क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर सॉल्यूशन को ध्यान से समझो, सबसे पहला काम क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करना। तो यहां से ये अपने एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर CH3, तो यहां से ये अपने एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर जाएगा OH-, सबसे पहला काम हो गया इसका, एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर जाएगा। तो यहां पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, माइनस चार्ज, और इसको ऐसे बना लो, देखो इसको ऐसे बना लो, तो ये कहाँ अटैक करेगा, ये अब यहाँ अटैक करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग बन गई। अगर मैं यहां से कराता तो कितने मेंबर की रिंग बनती, 8 मेंबर की, तो 8 मेंबर की रिंग को हम प्रेफर नहीं करेंगे। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझो, यहां पर क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से यहां पर CO-, यहां पर आपका H, और यहां पर 6 मेंबर की रिंग, तो 6 मेंबर की रिंग निकाल दो इन दोनों को काउंट करते हुए, ये मैंने 6 मेंबर की रिंग निकाल दी। अब देखो 6 कार्बन पे, ये आपका कौन सा था, 1, 1 के बगल में आपका क्या होगा, 6,
तो 6 के बगल में आपका क्या हुआ, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका कीटोन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अगर मैंने H2O के साथ रिएक्शन कराया तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से समझो, H2O के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पर आपका COH, ठीक है, ये बन गया आपका। इसको हीट कर सकते हो आप, हीटिंग प्रोसेस में क्या हो जाएगा, देखो अगर मैंने इसको हीट कर दिया, इस क्वेश्चन में मैंने हीटिंग नहीं लिखाया था, तो हीट भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है, हीट कर दो, ऐसे बन जाएगा प्रोडक्ट। अब देखो यहां पर अगर मैं इसको हीट करूंगा तो क्या बनेगा बच्चों, यहां पर अगर मैं इसको हीट करूंगा तो आप क्या बनेगा, ध्यान से समझो, तो अगर मैंने इसको हीट कर दिया तो यहां पर अब आपका इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। तो अब हम देखते हैं बच्चों एक और एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल एल्डोल कंडेंसेशन के बेसिस पे। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन को अच्छे से समझ लेना क्योंकि हर साल पेपर में आता है बच्चों, तो हर साल आता है तो इसका मतलब आपको एल्डोल कंडेंसेशन अच्छे से कर लेना है। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर थर्ड। तो यहां पर देखो, यहां पर ये मैंने बना दिया OH, ये मैंने बना दिया यहां पर ये। ठीक है, अब देखो OH माइनस के साथ रिएक्शन 5 डिग्री सेल्सियस, OH माइनस के साथ है 5 डिग्री सेल्सियस है, तो बच्चों क्या होगा, ये आपको दिख रहा है बच्चों, ये आपका रेट्रो एल्डोल है, ये आपका रेट्रो एल्डोल है, ये आपका क्या है बच्चों, रेट्रो एल्डोल। तो रेट्रो एल्डोल में आपका यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा जल्दी बताओ, यहां पर अब आपका रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन का जस्ट उल्टा, तो रेट्रो एल्डोल में आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो OH ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करो, देखो यहां पर डबल बॉन्ड है तो ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करो, ये आपका कहां जाएगा, ये आपका इस तरफ, ये आपका बाहर निकलेगा, तो यहां से क्या बन जाएगा बच्चों, देखो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, 6 मेंबर की चेन, यहां पर 1 2 3 4 4, ठीक है, तो 1 2 3 4 बना लो बच्चों, यहां पर मैं 1 2 3 4 बना लेता हूं, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन बना लिए बच्चों मैंने। अब 4 कार्बन पे से चौथे नंबर पे क्या लगा दो, चौथे नंबर पे आपका कीटोन लगा दिया, और आपका फर्स्ट पे क्या लगा दो, फर्स्ट पे आपका एल्डिहाइड, यहां पर भी कीटोन लगा दो। देखो अगर आपने इस रिएक्शन को सोल्व किया होगा तो आपका ये बनेगा रेट्रो एल्डोल वे, बेटा बेटा ये यहां पर पहले से एल्डोल है ना, एल्डोल का जस्ट उल्टा हुआ, रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे, रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेट्रो एल्डोल आपको किस तरीके से करना है, नहीं तो आप इसको मैकेनिज्म के थ्रू भी कर सकते हो बच्चों, मैकेनिज्म के थ्रू भी आपका हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हम समझते हैं एक और क्वेश्चन, यहां पर एक और क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैंने इसको ले लिया, ये मेरे पास CHO, ये मेरे पास CHO, ये मेरे पास 2 मोल है, ठीक है, और साथ में मैंने इसको ले लिया, ठीक है, अब देखो ये आपका कैसा है, इसकी रिएक्शन OH माइनस के साथ, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को जैसे ही मैंने सोल्व करूंगा तो कैसे सोल्व करूंगा, सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, एसिडिक हाइड्रोजन अल्फा को बाहर निकालना पड़ेगा। अब देखो एसिडिक हाइड्रोजन, क्या इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है, नहीं है, क्या इसके अंदर आपका एसिडिक हाइड्रोजन है बच्चों, नहीं है, जब आपका इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो आपका एसिडिक हाइड्रोजन इसके अंदर होगा, इसके अंदर जब आपका एसिडिक हाइड्रोजन होगा, एक यहां भी होगा और एक यहां भी होगा, एक यहां भी होगा, एक यहां भी होगा, तो सबसे पहले ये आपका 2 है तो 2 दो सिमिलर पोजिशन के एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लो, तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को मैंने बाहर निकाल लिया, देखो एक बार ये OH माइनस निकाल लेगा, एक बार इसको निकालेगा, तो दोनों पोजीशन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। अब देखो दोनों पोजीशन पे आपका माइनस चार्ज आ जाएगा, तो इसको ध्यान से समझना, अब देखो इस तरीके से बनेगा आपका सॉल्यूशन, मैं लिख देता हूँ बच्चों ताकि आपको समझ में आ जाए, देखो इस तरीके का आपका यहाँ पर COH, ठीक है, ये आपका बन गया। अब यहाँ पर दोनों पोजीशन पे आपका क्या आ जाएगा बच्चों, दोनों पोजीशन पे आपका एसिडिक हाइड्रोजन ले गया, तो दोनों पोजीशन पे आपका माइनस चार्ज, आप माइनस चार्ज से करो तो ताकि आपको समझ में आ जाए जल्दी से, ठीक है, अब ये यहाँ अटैक करेगा और अब ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इजी रिएक्शन है,
आगे देखेंगे तो आपका क्या बनेगा बच्चों, इस तरीके से आपका कंपाउंड बन जाएगा। देखो यहां पर ये आपका इससे अटैच हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर के रिंग बना देगा ऐसा, ठीक है, और ये आपका इससे अटैच हो गया। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो यहां पर ये OH माइनस, यहां पर O माइनस होगा, तो O माइनस जब यहां होगा तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके OH बना देगा, ये भी आपका OH बना देगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट, अगर बेटा यहां पर भी तो आपका बेस है, इसके कितने मोल है, 2 मोल है ना, तो यहां पर OH माइनस के साथ यहां पर भी एसिडिक हाइड्रोजन, यहां पर भी एसिडिक हाइड्रोजन, ये इसके साथ ट्रैप होगा, तो इस बार अब क्या बनेगा बच्चों, इस बार अब यहां पर ये बन जाएगा, ये बन जाएगा इस बार, अब यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ये माइनस, ये माइनस, अब ये इसके दूसरे मोल के साथ आपका रिएक्शन करेगा। दिस इज व्हाट, यहां पर अल्फा एच है, यहां पर अल्फा नहीं, अल्फा एच नहीं है, क्रॉस एल्डोल केनिजारो रिएक्शन। कौन सा, क्रॉस एल्डोल केनिजारो रिएक्शन, क्लेजन स्मिड रिएक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। अब देखो बच्चों, क्लेजन स्मिड रिएक्शन, तो यहां पर ये अब इसके साथ अटैक करेगा, ये जो दो बने हैं बच्चों आपके ओ माइनस, ये आपका किसके साथ अटैक करेगा, अब ये आपका अब यहां पर किसके साथ, इसके साथ अटैक करेगा, इसके दूसरे मोल के साथ, तो यहां पर सी ओ एच और यहां पर COOH, ठीक है, ये यहां अटैक करेगा। ठीक है, तो अब आपका क्या बनेगा बच्चों, अब आपका यहां पर क्या बनेगा, अब आपका यहां पर बनेगा, यहां पर देखो ये इस तरीके से ठीक है, और यहां पर ये आपका इस तरीके से, अब देखो अगर मैंने यहां पर अब डिहाइड्रेशन कराया, डेल्टा हीट कराया, तो अब क्या बनेगा बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर डेल्टा कराया तो अब क्या बनेगा, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, यहां से ये वाला निकलेगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां से ये वाला निकलेगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां से ये वाला निकलेगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां से ये वाला निकलेगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाली रिंग एरोमेटिक, ये वाली रिंग एरोमेटिक, बीच वाली रिंग में एरोमेटिसिटी डेवलप नहीं होगी, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, यहां पर अगर मैंने हीट कराया तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझना, काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ये आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा और इजी क्वेश्चन है, तो काफी सिंपल है, एक दो बार अगर आप करोगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर फाइव भी देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से करना है डील हमको, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर फाइव में आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपका यहाँ पर ये मैंने HCHO एक्सेस अमाउंट में ले लिया है। नाउ अब इसकी रिएक्शन मुझे किसके साथ करानी है, OH माइनस के साथ। अब देखो यहां पर आपका नहीं है, यहां पर आपका अल्फा एच नहीं है, एक तो इस पोजीशन पे, ठीक है, अब इस पोजीशन पे अल्फा एच है, तो इस पोजीशन से अल्फा एच को निकालेगा, अल्फा एच को निकालेगा तो क्या होगा बच्चों, जल्दी से देखो, यहां माइनस चार्ज, यहां पर HCOH, ये अब यहां अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, तो अब आपका क्या बनेगा बच्चों, जल्दी से ध्यान से समझो एक ही बार में, यहां पर आपका क्या बनेगा, CH2O माइनस बन जाएगा। नाउ इसमें आप है ना वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराएंगे, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर एक आपका ये बन गया, ठीक है, अब ये एक्सिस में, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर भी आपका अल्फा एच होगा, ठीक है, तो ये आपका OH माइनस इस एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर ले जाएगा, जैसे ही ट्रैप करके ले जाएगा तो यहां पर ये माइनस, यहां पर ये डबल बॉन्ड हो, यहां पर CH2OH, अब यहां से ये आपका किसके ऊपर अटैक करेगा, HCOH के ऊपर, ये यहां अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, जैसे ही वहां अटैक करेगा और ये ऊपर जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझना कि
जैसे ही अब ये यहां अटैक करके ऊपर जाएगा तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर अब आपका क्या बनेगा, देखो ध्यान से, यहां पर आपका CH2OH, यहां पर अब आपका इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा CH2OH। ठीक है, अगर मैं अब इसको हीट करूंगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, काफी इजी इजी रिएक्शन है बच्चों, एक दो बार करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते बच्चों। ठीक है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन when OH- will take in excess amount, will be taken in excess amount। ठीक है, excess amount। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, excess amount में जब भी आपका OH- को टेकन करेंगे तो आपका एल्डोल कंडेंसेशन कौन सी रिएक्शन होगी, तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे सॉल्यूशन, ये केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने के बाद आपको आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से आ जाएगा। देखते हैं बच्चों यहां पर ध्यान से समझना, रेट के लिए मैंने क्या लिखा था बच्चों, रेट के लिए मैंने यहां पर देखो इनोलेट आयन को मैंने रिप्लेस किया था, इनोलेट आयन को मैंने किसके साथ रिप्लेस किया था, एल्डिहाइड के साथ, तो एल्डिहाइड का स्क्वायर मतलब कार्बोनिल कंपाउंड का स्क्वायर, तो रेट, हाँ रेट लो हम किस तरीके से लिखते थे बच्चों, इसका कार्बोनाइल कंपाउंड का स्क्वायर इंटू OH-। ठीक है, अब देखो OH- अगर मैंने एक्सेस अमाउंट में ले लिया तो इसको हम क्या कर देंगे बच्चों, नेगलेक्ट कर देंगे इसका ऑर्डर, तो यहां पर अब क्या बचेगा, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कार्बोनाइल कंपाउंड स्क्वायर। जब ये स्क्वायर हो गया तो यहां पर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर 2। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों यहाँ पर, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। CH3CO CH3, अब इसकी रिएक्शन मुझे करानी है किसके साथ, OD D2O। अब ध्यान से समझेंगे बच्चों, इसकी रिएक्शन इसके साथ करानी है आपको। ठीक है, OD D2 यहां पर लिख देता हूं मैं, हाँ यहां पर OD मीडियम। ठीक है, OD- मीडियम। अब देखो इसकी रिएक्शन इसके साथ करानी है, तो आपका रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, काफी अच्छा रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, या आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बताओ रिएक्शन का सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले CH3, ये ओडी आपका क्या करेगा बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर जाएगा। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन को सबसे पहला काम क्या है इसका, एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करना, तो यहां से ये क्या करेगा, यहां से ओडी आपका एसिडिक हाइड्रोजन और यहां पर D2O होगा, तो जैसे ही ये यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा, ध्यान से समझना, जैसे ही ये यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा तो यहां पर क्या जाएगा, CH2- और यहां पर OCH3। ध्यान से समझना बच्चों इसको, अब क्या करेगा कि ये आगे आगे रिएक्शन ना करके ये आगे की ओर, यहां पर अगर मैंने OD लिख दिया है, यहां पर अगर मैंने क्या लिख दिया बच्चों, यहां पर मैंने लिख दिया है OD-, तो ये आगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक ना करके फिर से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में D2O के साथ रिएक्शन करा के क्या बना लेगा, CH2D। जब भी आपके कीटोन की केस की बात करेंगे, क्यों, क्योंकि आपका कीटोन का न्यूक्लियोफिलिक रीजन क्या है, रीजन आपका ये है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन कीटोन इज वेरी लो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कीटोन इज वेरी स्लो प्रोसेस,
तो ये आगे नहीं हो पाएगा, ये पीछे वापस D2O के साथ रिएक्शन करके डी जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कितने एसिडिक हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, यहां से फिर मैंने एसिडिक हाइड्रोजन निकाला तो फिर आपका D2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, इसी तरीके से CD2H CO CH3। नाउ अगर मैं बात करूं कि यहां से फाइनली आपका क्या बनाएगा, फाइनली आपका क्या बनाएगा, यहां पर सारे हाइड्रोजन को क्या कर देगा बच्चों, रिप्लेस कर देगा, सारे हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ध्यान से समझना, अगर मैंने कभी भी ड्यूटेरियम मीडियम ले लिया तो यहां पर क्या होगा, ओडी माइनस, अब देखो सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ये सारे हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस करा दिया, देखो सारे हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस करा दिया, बस इतना सा बात जान लो, सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करा दिया। नाउ अब ये अब इसके यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा CD2, यहां से एसिडिक ड्यूटेरियम निकलेगा, कौन ले जाएगा, ओडी माइनस। अब ये आपका यहां से इसको ले जाएगा तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आपका CD2 माइनस। नाउ अब जो आपका CD2 माइनस है वो आपका किसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। नाउ अब आपका क्या बन जाएगा, CD3 CCD3 O माइनस। अब यहां पर आपका CD2 CO CD3। अब अगर मैंने इसकी रिएक्शन इसको मैंने H2O के साथ मैंने ट्रीट कर दिया, या फिर NaOH के साथ, H2O के साथ या फिर मैंने D2O के साथ, जिसके साथ यहां पर मैं D2O के साथ अगर मैंने इसको अब मैंने ट्रीट कर दिया तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, CCD3 OD, लेकिन यहां पर CD2 CO CD3। अब ध्यान रखना, अगर मैंने एल्डिहाइड का केस दिया तो एल्डिहाइड आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अच्छे से करता है, तो एल्डिहाइड में क्या होगा, एल्डिहाइड में आपका यहां पर CH2 बनेगा और नेक्स्ट स्टेप में आपका OD जाके जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो एल्डिहाइड का हम देख लेते बच्चों एक बार, एल्डिहाइड का भी हम देख ही लेते हैं बच्चों एक बार, ड्यूटेरियम वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, एल्डिहाइड का भी एक और क्वेश्चन ड्यूटेरियम वाला मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझ लेना बच्चों। CH3COH, इसकी रिएक्शन मैंने डायल्यूट OD माइनस के साथ कराना है। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा, सबसे पहले आपका CH2 बन जाएगा एल्डिहाइड और यहां पर क्या आ जाएगा, OH। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अब यहां से ये आपका इसके दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, ये आपका आपके किस पर अटैक करेगा बच्चों, दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। अब ये आपका जैसे ही ये आपका इस पर अटैक करेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर क्या बनेगा, CH3CO-H, यहां पर CH2COH। ठीक है, अब यहां पर मैंने यहां से हमारा क्या बाहर निकला था, यहां से हमारा H+ बाहर निकला था, अब H+ बाहर निकला तो OD माइनस का D2O यहां पर क्या जाएगा, यहां पर अब आपका ड्यूटेरियम अटैक करेगा, यहां पर अब आपका क्या अटैक करेगा, यहां पर D2O कर लो, यहां पर अब आपका कौन अटैक करेगा, OD अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, OD। तो अब ध्यान से समझ लेना बच्चों, यहां पर जब भी एल्डिहाइड का केस होगा तो OD यहां आएगा, लेकिन कीटोन के केस में, कीटोन आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन काफी स्लो करता है, बट एल्डिहाइड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होने की वजह से कि रिएक्शन आगे की ओर मूव आपका हो जाएगा, लेकिन इन द केस ऑफ कीटोन रिएक्शन आगे की ओर मूव ना होके पीछे की ओर मूव होके सारे हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम में रिप्लेस कर देगा। तो इस तरीके से हमने यहां पर बच्चों एल्डिहाइड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को समझा है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।